दोस्तों, भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी अब और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दरअसल एक बेहद ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति ने भारत के समर्थन में एक ऐसा बयान दे दिया जो कि आने वाले समय में भारत के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है और इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल सकती है। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख अब्दुल्ला साहिद ने अब ये बात खुलकर कह दी है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। अब्दुल्ला साहिद ने ये बात कबूली है कि भारत मौजूदा समय में विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है और ऐसे में भारत को यूएनएससी से दूर रखना मुनासिब नहीं होगा। भारत पूरे विश्व में एक बेहद अहम भूमिका निभा रहा है, साथ ही भारत की सैन्य और आर्थिक शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे हालात में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, अब्दुल्ला साहिद मालदीव के नागरिक हैं और वह मालदीव के विदेश मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। ऐसे में अब्दुल्ला साहिद का भारत के समर्थन में बयान देना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब्दुल्ला साहिद ने यह बात भी खुलेआम कह दी है कि अब वह समय आ चुका है जब विश्व को संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाना चाहिए और यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए, ताकि भारत और भारत जैसे कई देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह प्रतिनिधित्व और जगह मिल सके जिसके वह हकदार हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में विश्व के कई देश भारत के समर्थन में आ रहे हैं। हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि फ्रांस ने भी भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन भारत को दिया था, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा मायने भी रखता है। फ्रांस भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थक देश बन चुका है। फ्रांस और भारत की आर्थिक और सैन्य साझेदारी भी अब नए स्तर पर है। ऐसे में अगर फ्रांस भारत का समर्थन कर रहा है, वह भी ये बात समझते हुए कि फ्रांस खुद यूएनएससी का एक स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर मौजूद है, तो ये भारत के लिए काफी बड़ी बात है। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन शामिल है। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, यानी कि ये किसी भी प्रस्ताव को अकेले ठुकरा सकते हैं। जिन देशों के पास वीटो पावर होती है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र में लगभग अजेय माना जाता है। हमने कई बार देखा है कि जब चीन ने पाकिस्तान को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, या फिर रूस ने भी भारत को बचाने के लिए कई बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, यानी कि ये बात साफ हो जाती है कि जिस देश के पास वीटो पावर होती है, उस देश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में किसी भी तरीके का प्रस्ताव पास करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वह देश उसे वीटो कर सकता है जिससे वह प्रस्ताव पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। यानी कि जिन देशों के पास वीटो पावर है, वह मौजूदा समय में एक तरफा शक्ति लेकर संयुक्त राष्ट्र में बैठ रहे हैं और भारत इसी चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। भारत का ये कहना है कि अब दुनिया काफी हद तक बदल चुकी है, कि विश्व में काफी देशों ने सैन्य और आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा प्रगति की है। वहीं पर इसके साथ ही कई ऐसे देश हैं जो कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य देश जितने विकसित हो चुके हैं या फिर लगभग उनके जितने ही प्रभावशाली हैं, तो उन देशों को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, ताकि विश्व के देशों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जा सके। केवल 5 देश ही पूरे विश्व की जिम्मेदारी लेकर क्यों बैठे हुए हैं, जबकि विश्व में कई और देश हैं जो इस पद के हकदार हैं, जैसे कि भारत, जापान, कनाडा और ब्राजील जैसे देश। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारत ने अब एक नया कारनामा करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना ली है। भारत की नॉमिनल अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 अरब डॉलर है, जबकि ब्रिटेन की नॉमिनल इकोनॉमी 814 अरब डॉलर की है, यानी कि भारत ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन के अंदर महंगाई दर पिछले 40 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, ब्रिटेन के लिए यही एक लौती बुरी खबर नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए रिसेशन के अंदर जाने का भी खतरा बन चुका है, जो कि साल 2024 के अंत तक रह सकता है। यानी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को एक तरफ महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मंदी का भी खतरा सता रहा है। इसी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% से भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो इस साल के पहले क्वार्टर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय -0.1% से घट रही है, जबकि 2022 के पहले क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था 13.5% से बढ़ी है, जो कि अपने आप में ही एक ऐतिहासिक आंकड़ा है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती क्षमता और शक्ति को प्रदर्शित करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केवल एक दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं आती थी, जबकि ब्रिटेन उस वक्त भी विश्व के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लेकिन केवल एक दशक में ही भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया और भारत विश्व के शीर्ष 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर काफी तेजी से काम किया है और अब वह समय भी ज्यादा दूर नहीं जब भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम कर लेगा और वह पल हर भारतीय के लिए गर्व से भरा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की बढ़ती शक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके
हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।